ज्ञानव्यापी परिसर में तीसरे दिन के सर्वे में शिवलिंग मिलने की बात सामने आई, लेकिन इससे कांग्रेस के नेता इत्तेफाक नहीं रखते हैं। कांग्रेस के नेता शहनवाज आलम, जो कि उत्तर प्रदेश में माइनॉरिटी सेल के चेयरपर्सन हैं, उनकी ओर से ये कहा जा रहा है कि दरअसल वो शिवलिंग नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही है, वो वजू खाने में मौजूद एक फव्वारे का पत्थर है। ये बयान है कांग्रेस के नेता की ओर से। खैर, उन्होंने साफ तौर पर सवाल उठा दिया है अदालत के फैसले पर, जो सर्वे किया गया है उस पर। उनका ये कहना है कि अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है और जो आदेश दिया गया है उसे पूरी तरीके से ठीक वो नहीं मान रहे हैं। दरअसल कुछ तस्वीरें भी उनकी ओर से जारी की गई है, 3-4 तस्वीरें उनकी ओर से जारी की गई है, जिसमें दिखाया जा रहा है, जिसे लेकर वो दावा कर रहे हैं कि वो फव्वारे का एक पत्थर है, उसे ही अब बताया जा रहा है कि वो शिवलिंग है। शहनवाज आलम की ओर से ये सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि जब पहले ही इस मुद्दे में बंटवारा हो चुका था, ये मामला सॉल्व हो चुका था, उस समय जब शिवलिंग नहीं मिला तो अब जाकर ये शिवलिंग कहाँ से, ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं शहनवाज आलम की ओर से। हालांकि अगर हम कांग्रेस प्रवक्ता की ओर से बात करें तो आधिकारिक बयान कुछ नहीं आया है, लेकिन ये जो फोटोज़ हैं और जो ये मीडिया जो नोट है ये सर्कुलेट किया गया है शहनवाज आलम की ओर से। अब इसके बाद सवाल उठने लाजमी है, सवाल ये कि जब सर्वे की टीम ये कह रही है, जब कोर्ट की ओर से कहा गया है कि उस इलाके को सुरक्षा दीजिए, वहाँ पर शिवलिंग मिला है, तो शहनवाज आलम किस बेसिस पे ये कह रहे हैं कि वो शिवलिंग नहीं है जी, वो तो एक फव्वारे का पत्थर है। खैर, सवाल उठ रहे हैं अब शहनवाज आलम पर भी, लेकिन शहनवाज आलम जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं अदालत के फैसले पर और सर्वे पर।